भिवानी के जीतू वाला क्षेत्र स्थित सीवरेज शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि जीतू वाला क्षेत्र के लोग सीवरेज शिफ्टिंग कार्य को लेकर लंबे समय से संघर्षरत थे, जिसको लेकर कार्य शुरू हो गया और जल्द ही सीवरेज शिफ्टिंग कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद जीतू वाला ओवरब्रिज जल्द बनकर तैयार होगा, जिससे 60,000 की आबादी को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना होगा। और उन्होंने कहा कि जीतू वाला क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव सीधा शहर के साथ हो जाएगा। पुल के निर्माण कार्य में जो सबसे बड़ी बाधा हमारी थी, जो सीवर लाइन का शिफ्टिंग का कार्य था, वो कार्य हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही काफ़ी लंबा संघर्ष भी रहा हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का, सभी साथी हमारे साथ भी खड़े हैं। और जिससे ये लाइन शिफ्टिंग का कार्य होता है, तुरंत प्रभाव से पुल के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इस दिनोद रोड का टेंडर भी हमने नगर परिषद के माध्यम से इसका हमने लगा दिया है। जैसे ही सीवर काम होगा, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, पुल कार्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से इस सड़क के पुल के बनने से हमारा जीतू वाला पूरा क्षेत्र का शहर से एक जुड़ाव हो जाएगा। फाटक की वजह से ये अलग थलग क्षेत्र रहता था और यहाँ पर बहुत लाभ हजार लोगों को इसका मिलेगा। बात करें 60,000 से अधिक आबादी के लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही थी जो यहाँ से निकलने में, तो अब कितना लग रहा है समय जो लग सकता है? बहुत जल्द, देखिए मैं मानता हूँ कि कुछ ही दिनों के कुछ ही हफ्तों के अंदर ये कार्य अपने समापन की ओर जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जो सीवर की व्यवस्था है, सीवर की व्यवस्था पूरे शहर के अंदर बड़ी दिक्कत और बड़ी समस्या की स्थिति बनी हुई है। और इस विषय में हमने माननीय विधायक जी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने 2-3 दिन पहले ज्ञापन भी सौंपा था, उसमें पूरे शहर की समस्याओं का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके संज्ञान में चीज़ें डाली हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द समस्याओं का समाधान भी हो जाए। गंदे पानी की समस्या, सीवरेज रुकी हुई है, कहीं लाइन नहीं डलनी है, कहीं सीवरेज के मेन वाल धसे हुए हैं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। पूरा पूरा का शहर एक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी योजना लगा करके शहर का पूरे पुनः सुधारीकरण हो सीवर का पानी का, ताकि सारी समस्याओं निराकरण उसके। बात करें लंबे अरसे से जो है सीवरेज की समस्या चली आ रही है शहर में, पानी की भी अगर बात करें तो अभी जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया तो क्या आश्वासन जो मिला है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधायक जी के साथ हम गए तो यही आश्वासन और विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द समस्या का समाधान भी होगा। और जिस प्रकार से हमने समस्या अपनी रखी कि शहर के अंदर कितनी लाइन नहीं डलनी है, कितने सीवरेज का, कितने बूस्टरों का विस्तारीकरण भी होना है, लेकिन नए बूस्टर बनने हैं, सीवरेज डिस्पोजल नए बनने हैं, बरसाती पानी की निकासी के लिए भी हमने चर्चा की, तो उस पर एक बहुत बड़ा बजट का उन्होंने वादा भी किया कि भिवानी शहर के लिए सीवरेज पानी के लिए एक बड़े बजट का हम आवंटित कर देंगे और पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी आपको आवश्यकता हो एक अच्छा एस्टीमेट बना करके सब समस्या को निराकरण किया जाएगा। हाँ, पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हैं कि अब देखिए जो पुल निर्माण कार्य था वो सीवरेज की लाइन शिफ्टिंग की वजह से रुका हुआ था, वो कार्य अब हमारा शुरू हो चुका है। पिछले आपने देखा कि 3-4 महीने हमारे आदर्श आचार संहिता के कारण इसमें कार्य अधर्म लटका हुआ था, अब वो कार्य पूर्ण शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से कि 4-5 महीने के अंदर पूरी पूरी आशा है कि कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा। परेशानियाँ थी मैन तो शिविर की, शिविर का काम चालू है, तकरीबन अब तक में कंप्लीट हो जाएगा होने की आशा है। और रही पुल की, पुल जब तक शिफ्टिंग नहीं हुई थी जब तक पुल का काम बंद पड़ा था 1.5 साल से, तो अब शायद हमारे को उम्मीद है कि चौधरी जी ने, धर्मवीर सिंह जी ने कहा है कि मैं जल्दी जल्दी पुल बनवा के तैयार करवा दूंगा। प्रशासन शायद हमारे को उम्मीद है कि अगले साल तक तैयार हो जाए, 2000 तैयार हो जाएगा पूरा। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप तवर, जीतवाड़ा निवासी। ये जो पुल का काम 4 साल से पेंडिंग है, केवल सीवर लाइन शिफ्टिंग की वजह से रुका हुआ था और अब वो काम शुरू हो चुका है। मशीनें लगी हुई, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है और अंडरग्राउंड जो है ना इसकी खुदाई चल रही है और लगभग 2-1 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। भारी परेशानी है जी, इधर तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले तो निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं, बाकी कोई 3-व्हीलर है, 4-व्हीलर तो बिल्कुल आना ही बंद हो गया। 4 साल से कोई बड़ा व्हीकल यहाँ से नहीं निकल रहा था और भारी परेशानी है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं क्या बताएं, भारी परेशानी। नहीं, 5 महीने में तो नहीं हो पाएगा, मैंने लग रहा है कि तकरीबन 1 साल तो लग जाएगा, पुल का काम पूरा होने में 1 साल लग जाएगा।